करमा बेटी जाट की भोली सी नादान और करमा की पट राखियो मेरे खाटू वाले श्याम प्यारे की हारे के सहारे की लखदा तार की थाली फर के लई खिचड़ो ऊपर घी की बाट की जिमो मारे श्याम धनी जिमावे बेटी जाट की। वो एक छोटी सी भक्तनी राजस्थान में एक बहुत गरीब परिवार था और उस परिवार का एक नियम था घर में जो भी भोग बनेगा पहले श्याम जी भोग लगाएंगे और उसके बाद घर के लोग खाना खाएंगे। कुदरती एक दिन सारे परिवार को बाहर जाना पड़ गया और एक छोटी सी बच्ची करमा बाई घर में रह गई। उस बच्ची को ये नहीं पता था भोग कैसे लगाया जाता है। उसने सोचा श्याम जी हमारे घर आएंगे और वो भोजन खाएंगे फिर मैंने खाना है। उस छोटी सी बच्ची का और श्याम जी का आपस में शर्त लग जाती है जिद लग जाती है उसी के ऊपर एक भजन थाली भर के दही घी चढ़ो ऊपर घी की बाट की जिमो मारे श्याम धनी जी पावे बेटी जाट की जी पावे बेटी जाट की हो थाली भर के दही घी चढ़ो ऊपर घी की बाट की जिमो मारे श्याम धनी जी पावे बेटी जाट की जी पावे बेटी जाट की हो थाली भर के दही घी चढ़ो। तू जिम में तो मैं भी जिमू
मानो ना किस लाट की जी मारे जाम धनी जी माव बेटी जाट की जी माव बेटी जाट की हो थाली भर के लेगी चलो जो मंदिर बना रखा था उसका कोई दरवाजा नहीं था, छोटा सा पर्दा लगा रखा था। कर्मा बाई ने सोचा शायद पर्दा नहीं लगाया इसलिए श्याम जी नहीं आए, और क्या कहा, पर्दा भूल गई सांवरिया पर्दा फिर लगायो जी दबड़िया ने ओलू बैठ के श्याम खिचड़ो खायो जी पर्दा भूल गई सांवरिया पर्दा फिर लगायो जी दबड़िया ने ओलू बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी भोले से भगता के साथ भोले से भगता के साथ सैयाना के मैं आठ की जिमो मार शाम धनी जी माव बेटी जात की जी माव बेटी जात की हो थाली भर के लेगी चड़ो भाव से होती है। इस दरबार के अंदर हजारों आदमी हैं, लेकिन जो श्रद्धा और सच्ची भावना से इस दरबार में आए हैं वो यहां से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। भक्ति के ऊपर क्या कहे अंतिम लाइनों में, भक्ति हो तो कर्मा जैसी उस छोटी सी बच्ची जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो जी सोहन लाला कार्य प्रभु का हर सरस गुण गायो जी भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो जी सोहन लाला कार्य प्रभु का हर सरस गुण गायो जी सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की जी मो मारे श्याम धरी जी माव बेटी जाट की जी माव बेटी जाट की हो थाली भर के लेगी चलो ऊपर घी की बाट की जी मो मारे श्याम धरी जी माव बेटी जाट की 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 बोलिए हरे के सहारे की लख दातार की भाई एक बार कहा पर्दा भूल गई सांवरिया पर्दा फिर लगायो जी दबड़िया ने ओलू बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी पर्दा भूल गई सांवरिया पर्दा फिर लगायो जी दबड़िया ने ओलू बैठ के शाम खिचड़ो खायो जी भोले से भगता के साथ भोले से भगता के साथ सैयाना के मैं आठ की जिमो मार शाम धनी जी माव बेटी जात की जी माव बेटी जात की हो थाली भर के लेगी चड़ो Thank you.
भाव से होती है। इस दरबार के अंदर हजारों आदमी हैं, लेकिन जो सरदार सच्ची भावना से इस दरबार में आए हैं वो यहाँ से कुछ ना कुछ जरूर लेके जाएंगे। भक्ति के ऊपर क्या कहे अंतिम लाइनों में, भक्ति हो तो कर्मा जैसी उस छोटी सी बच्ची जैसी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो जी, सोहन लाला कार प्रभु का हर सरस गुण गायो जी, भक्ति हो तो कर्मा जैसी सांवरिया घर आयो जी, सोहन लाला कार प्रभु का हर सरस गुण गायो जी, सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो, सच्चा प्रेम प्रभु से हो तो मूरत बोले काट की, जीमो मारे श्याम धरी जी मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की हो साड़ी भर के देखी चलो ऊपर घी की बाट की, जीमो मारे श्याम धरी जी मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की जी, मावे बेटी जाट की। बोलिए हरे के सहारे की लख दातार की।